आप देख रहे हैं फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं जिसको प्रस्तुत किया है चंद भूषण की संगीत पार्टी ने ग्राम और चितौनी थाना नगराम जिला लखनऊ। हम जितने नए संगीत प्रिय भाई हैं सभी से अनुरोध है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारी वीडियो पसंद आए सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। देखते रहे फनी मनोरंजन लाइव, बजाते रहे फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, बिरादरी वाली बात। बिरादरी की बात इसके क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चिकारा। चिकारा बजाने थे। हाँ। ये को बजाने जो मेहरुआ बजाते हैं। मेहरुआ? मेहरुआ बने बड़े तेज गीत गए हैं। कैसे गए? कैसे गए हैं? अरे महांगे ऊपर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ढोलक। हाँ, ढोलक बजा लेते हैं। हाँ। एक को बजा लेते हैं। वो क्या? दो तरीके गोल गोल होते ऊपर लंबा लंबा तक जाते तो फिर क्या बजा हो जाए तो पैरों की तरफ से जगाता है इसलिए ठाकुर सब लात मारते हैं। नशा कुछ कम हुआ कि नहीं? तुम्हें कुछ होश है? हम हरेली में थे और यहां कैसे आ गए? तुम शराब पीते पीते यहां आ गए। क्या? हाँ, शराब पीते पीते हम यहां आ गए। और तुम्हें कुछ मालूम है? सागर सिंह, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। ज्योति बेटी का जन्मदिन है और भाभी पारो तुम्हारे पास आई थी और भाभी जी के तुमने लात मार दिया। क्या? मालिक भाभी जी का छोड़ा अपनी बिटिया।
कहा बेटी ज्योति किसी ने पे लात मारा, तुम्हें तो आशीर्वाद देना चाहिए था और तुमने सीने पे लात मारा सागर सिंह, और तुम्हें शराब पीते हुए देख लिया। क्या मेरी बीवी पारो आई थी यहाँ? हाँ, उसने मुझे शराब के नशे में देख लिया। हाँ हाँ, मैंने उसे एक लात भी मारा। लात भी मारा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सागर सिंह, मेरी बेटी ज्योति भी आई थी यहाँ। अरे हजार बार बताओ। मैंने उसे लात मारा। हाँ नहीं, नहीं सागर सिंह, जिस बेटी के लिए मैंने उस निरंकारी बाबा की हत्या की, जिस बेटी के लिए विजय बाबापुर के गांव के इतने बच्चों को बलि पे चढ़ा दिया, और आज उस बेटी के मैंने लात मारा। सागर सिंह, हाँ दोस्त, आज के बाद मैं सौगंध खा के कहता हूं, मैं आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मालिक, आज के बाद कसम तुम खाओ, कसम तुम खाओ, कसम हम खाई। अगर जब आज हद की बात हम तुम तीन लोग दारू पियो, जो दारू पियो तो अपने अपने मेरे मुंह पियो। कसम खाओ। क्या कसम खाओ? हाँ हाँ, कसम खाओ। अबे साले, हम लोग ठाकुर हैं। तो दारू जब तक न कसम खायो तब लग दारू छूटी ना। अरे मैं, हम लोगों ने सौगंध खा लिया। सौगंध? सौगंध दारू पियो ना? नहीं पियेंगे। और सागर सिंह, हाँ दोस्त, आज मेरी बेटी ज्योति का जन्मदिन है। हाँ, और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये शौक से सुने मेरी बात। और आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बोलिए दोस्त, क्या कहना चाहते हैं? सागर सिंह के साथ चले जाओ, एक से भले दो होते हैं। कभी साथ चले जाएंगे। अपना स्टाइल अलग से। चलो दोस्त, ठाकुर की एक छोटी सी कहावत है। कौन सी? कहते हैं क्या कि खाओ कम, खिलाओ ज्यादा, लड़ो कम और लड़ाओ ज्यादा, और मारो कम मरवाओ ज्यादा। काहे वाले बोल रहे हो? मारो कम मराऊं ज्यादा? हाँ, देखो जो बड़े आदमी होत हुए वही हमेशा नौकर से काम कर रहा होते, जैसे कौन कतल करे भा
जैसे 302 करत भवा तो बड़े बने अपने नौकरन से नहीं मरवावत है। कतल कतल जैसे नौ, हम तुम्हार नौकरान हमते को मरवाओ खाए तो हमका भेजो जाओ फरारे कर खून कह दियो, और जैसे हम खून कह दी ना पुलिस हमका पर्ग लेके गवे हम जेल चले गए हमका तुम छोड़ा लाए ला छोड़ा रही हो ना। अरे बिल्कुल, अगर तुम कोई कर खून कर हो अगर तुम दो लोग जेल चले गए तो तुमका का भुइया दांत छोड़ा हुई है बात आया बड़का जाने हो छोड़काने का आगे कहते हैं उरे मारो उरे मारो मार कह दियो उरे का काट डालो अपना सारे पता नहीं कोई भूल छोड़ा कर बड़का में नहीं हम देखे ना ये बड़े मारो कम मरवाओ ज्यादा तुम हमते चाहे ता मरवाओ चाहे चाहे लोगों का मरवा डालो सबका मार डाल तुम्हारे दम पर। अरे वाह, चल फिर मेरे साथ इस रात चलो नथ माली के पास चलो। अरे राम डारी दी हिन मंगरा अरे हाल ही परार हम डारी दी हिन मंगर हाल ही परार हम डारी दी हिन मंगर हाल ही परार। अरे पहला मंगरा मेला मालिक के डारा अरे उनका मेला ही आ लगवाव का परार हम डारी दी हिन मंगर हाल ही परार हम चंगू मंगू के डारा अरे उनका ही कैसी बनाव का पर हार हम डार दिन पर हार हम डार दिन पर हार। अरे तीसर मोहरा ई देखन के डारा अरे तीसर मोहरा ई देखन के डारा आज रात परार हम डार दिन अरे हाल ही परार हम डार दिन मगर हाल ही परार। अरे चौथा मंगरा भैया हमारे डारा अरे चौथा मंगरा भैया हमारे डारा आज रात मंगरा ही अरे गाँव का परार हम डार दिन अरे हाल ही परार दे। इधर कौन वही नथू माली अपने घर में बैठे हैं और देखिए क्या होता है। ओ सब बढ़िया है मस्त हो मजे में हो ठीक हो कौन मर्ज तो नहीं है आप अरे वो नथुआ कहां मर गया रे साला धरती धमक आवा धरती धमक खटेवा आवा वो वाला सीता चिमचा साला चिमचा कौन कह रहा है रे अरे मेरा सागर सिंह नाम लेकिन ये साला सगरिया सगरिया कौन कह रहा ए नथुआ बाहर निकल के आ घर से सागर सिंह आवाज दे रहा है तुझे साला नथुआ गाली दे रहा मालिक राम 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 ओ तेरी औकात कैसे हो गई रे गाली देने की साले मुझे सगरिया कह रहा नहीं मालिक मुझे चिमचा कह रहा नहीं मालिक हम तो ऐसा नहीं बोला तो कौन सा लगा फिर कौन कहा वाला पैदा हमारा मालिक का अति बड़े इज्जत का समाज में है कौन कहा कोई कह नहीं सकता कुछ हमारे जमींदार हैं हमारे गांव के मैं इनकी इज्जत करता हूँ ठीक है नथू हाँ बोलिए जमींदार मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ
किस लिए? हमारे ठाकुर साहब ने मुझे भेजा है। किस लिए भेजा है? सुनिए, जन्मदिन है। हम सोच रहे थे उसका मरण दिन है आज। ओ नथुआ, समका को डरात रहित करे को कलम से बसा। औकात में ठाकुर साहब, औकात। और खुशी है का बेटे हम खेल खाल कर हम पाल बना लौट के तमाम अमेरिका सुधिया थे।
विचार करते बताओ यार। अरे अगर ये बताई जाए तो क्या हुई काका तुम दबे हो ना। हाँ दबे तो ना तुम दबे हो ना। अगर ये जमींदार ज्वाला सिंह दे बता दे है ज्यादा ज्यादा अपन लखे ले गए है। हाँ लखे ले गए है बंदूक ले गए है खरसा तलवार ले गए है कुछ ले गए अगर सब कुछ ले गए है तुम दबे हो ना हम भाग जावे हैं। चूतिये है का चल और तुम चल जमींदार साहब बैठे देखे क्या होता क्या है। क्या हो रहा कुछ नहीं मालिक जमींदार साहब गए छोटे वाले गए हैं फूल लेने के लिए अभी नथु को लेकर फूल अभी तक सागर सिंह वापस नहीं आए फिर बात क्या है। बैठे वहां तो होगा ठीक है दोस्त सागर सिंह इस चेहरे पर उदासी इसका कारण क्या है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोले दोस्त। सुने दोस्त उसकी औकात तो नहीं होती लेकिन अगर आपने अपने दोस्त सागर सिंह को हुक्म दिया होता कि अगर साला सीधी तरीके से नहीं आ रहा तो उसको साले को साथ में बांध लाना नहीं तो वही भी खत्म कर देना। जाओ सागर सिंह मैं तुम्हें हुक्म देता हूं उस नथुआ को खींचते हुए हवेली में लेकर आओ। जैसी आपकी आज्ञा। तेरे को रटे ना
इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ हमार देखो मालिक देखो अत्यनादर इत्तेदार तुम्हारे बैठे पूरी बात सुनो मालिक अत्यनादर इत्तेदार बैठे और देखो बढ़िया वीडियो वाले भैया वीडियो बना रहे हैं और उनके सामने क्यों रे नथुआ तेरी औकात है तूने मेरे सीने पे लात मारा और नथुआ तेरी ये है बात तूने मेरे सीने पे लात उठा दिया हम सीने पे लात मारा कहां से लात उठाया रे हाथ उठाने सिंह पर हाथ उठाने वाले लात उठाने वाले का अंजाम यही होता है क्यों नहीं कौन साला बूढ़ा कौन जवान मुझसे जीत पाएगा रे दोस्त सागर सिंह हाँ दोस्त इसलिए कहावत में कहना है और तेगे हुसैन जिस पे चली सरूंगा इधर देखिए नथु काका का पैर काट कर बीच रास्ते में फेंकवा देते हैं और देखिए बेचारे नथु काका अपने बेटे को आवाज लगाते हैं उसी रास्ते से रहम भैया गुजरते हैं और देखिए क्या होता क्या नहीं मुझे मिली तू गंगा जी की लहरों ने
तुझे किनारे लगा दिया था। बेटा मैं तुझे वहां से उठा लाया, तेरा लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया बेटा, और पाल पोस करके सयाना किया। मेरे लाल यही तेरी कहानी है। पिताजी आपने मुझे नंदा माँ की गोद में पाया था। पिताजी मैं अपने उस स्वर्ग माँ की कसम खाता हूँ और अपने सगे माँ बाप की सौगंध खाता हूँ। आज से मेरा पढ़ना लिखना खाना पीना सब हराम हो गया। आज के बाद रैन के अंदर होगा। आज से आपका बेटा रैन नहीं बल्कि बेरैन कहलाएगा। जब तक आपके चरणों की सौगंध है, जब तक ठाकुर के दोनों पैर नहीं काटूंगा, तब तक पिताजी मेरे दिल को शांति नहीं होगी। पिताजी आपको कोई अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा। भैया बना के क्यों बिगाड़ा काटूंगा, तब तक मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी। कहां बच के जाएगा, कहां बच के जाएगा मेरे फेंके हुए जाल से। पकड़कर खींच लाऊंगा तुझे आकाश तो। ठाकुर मैं तेरे पास आ रहा हूं। हां दोस्तों आप लोग सीन पर विशेष ध्यान दें। इधर कौन, ये चंबल है, संबल में कौन खोखार डाकू धर्म आते हैं और देखिए क्या होता क्या। डाकू धर्मा सिंह नाम मेरा, डाकू धर्मा सिंह नाम मेरा, चमी मुझसे डलती है, हवा भी मेरी नजर छुपती है। बगावत करने वाले, बगावत करने वाले छुप करके बच नहीं सकते। उछालो हाथ में बंदूक, तू जिंदा कालिया। सरदार जी जय मां भवानी, जय मां भड़भनानी। अब साले एक गोली पड़ेगी, साले भेदा भटकर साले बाहर आ जाएगा। तुम का कहो, मैं कह रहा हूँ जय मां भवानी, जय मां हिनी नानी। अब हिनी नानी के नाना, साले वो गोली मारूंगी, वो गोली मारूंगा, साले भेदा खड़कर साले बाहर आ जाएगा। और देखिए कालिया, मैं गुफे में आराम करते हैं, अगर कोई से व्यक्ति आए तो तकदार मेरे पास लेकर आए। भगवान मैं किसका सहारा लूं, ये भी अपना जंगल है, यहीं पे जाऊंगा। अगर कहीं मुझे शरण मिल गई तो आसानी से ये बेरहम बदला जरूर चुकाएगा। अरे वाह रे
मास्टर, मुझ नाम मास्टर मेरा नगर की ओर से रहन सिंह के लिए 11 रुपया एसोसल दिया है बदबूदनवा। ये बताओ तुम कौन हो? मैं बहुत बड़ी मुसीबत के मारे इंसान हूँ। मुसीबत के मारे हुए हो? मेरे माँ बाप को तुमने मार डाला। मार डाला तुम्हारे माँ बाप को क्यों? अगर तुम मुसीबत के मारे हुए हो तो हमारे सरदार तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे। ले लेंगे? अगर जो साले कहीं पुलिस के आदमी निकले तो साले इतनी गोलियां मारूंगा, इतनी गोलियां मारूंगा कि साले कोई डॉक्टर भर्ती ना करेगा। के पास यहाँ आया है सरदार जी? मेरा नाम है बेरहम। बेरहम? और सरदार जी इस दरिंदों ने इस जमींदार जो है ना, ये दरिंदों ने मेरे बाप का पैर काट दिया, मेरी माँ की आबरू लूट करके मेरी माँ आत्महत्या कर ली है। सरदार जी मुझे बदला ले ले, मैं आप शरण में आया हूँ, मुझे शरण दे दीजिए। बेरहम सिंह, ये डाकू धर्मा सिंह हमेशा गरीबों की मदद करता चला है, लेकिन क्या करे, मैं बुढ़ा हो चुका हूं। आज से गिरोह का सरदार डाकू बेरहम सिंह आप, और खत्म कर दे उन दरिंदों को जिसने तुम्हें सता है। हम गिरोह सहित आपका साथ। अगर आपने इसे मुझे चुन लिया है, दिल में चुन चुन के बना लिया, तो मेरा नाम बेरहम सिंह ठाकुर नहीं होगा। सरदार जी चलिए कपड़े पहनिए और हथियार उठाइए। ठीक है सरदार जी। ये कपड़े उतार दीजिए, दूसरे पहनिए, बिल्कुल चड्डी में दिखना चाहिए आप। अरे सासू नाना दिया मछोड़ा भाई इधर देखिए, डाकू धर्मा बेरहम को अपनी शरण में लेकर के इस गिरोह को सरदार बना देते हैं। उधर कौन, वही बेचारी कलावती अपने बच्चे को लिए गोदी में दरबदर की ठोकरें बेचारी खा रही है उन्हीं जमींदारों के डर से। देखिए बेचारी भागते भागते कहां पर पहुंचती है, आप लोग भी से ध्यान दें, वही कलावती आ रही। तूने कौन सा दिन दिखाया जो कि मैं दरबदर के ठोकरे खा रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, सामने दुर्गा माँ का मंदिर है, उसी मंदिर में मैं बैठती हूँ।
और बिगड़ी बनाने वाले चल धर्मा
बंदूक नीचे, वरना तेरे सरदार की जान। नंबर एक और दो मर गया साला। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कलावती का बच्चा छीन लेना चाहिए। कलावती, ये तेरा बच्चा है? हाँ सागर सिंह, ये मेरा बेटा है। काफी सयाना हो चुका है बेटा, आओ। शाबाश, मैं तुझे पैसे दूंगा। क्यों परेशान होता है? मैं अपने बेटे के प्राणों में भीख मांगती हूँ सागर सिंह। मेरा बेटा जीत करके उस बच्चे को ले जा, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा सारे। चल फिर तैयार हो जा। तुमने पार काटा था, मैं वही बेरहम सिंह हूं। तुम साले
नजर वाले तेरा मुंह काला साला दिल है तेरा काला ये ग्राम काटन अच्छी ये 10 रुपए का पुरस्कार भेजा है और कहना है सागर सिंह के कपड़े उतरवा कर मारिए। जमींदार से कहना ठाकुर चौला सिंह से कि तुम्हारा बाप पैदा हो गया है, तुमने जिस सत्तू माली का पार करना था उसका बेटा अब जवान हो गया है और अपने हवस में बंदूक उठा लिया है। सरदार जी, सरदार जी, यो बताओ कई बार गांड मारी? अबे क्या दिमाग खुला ना काट। हाँ काट उठा के और जब तक मेरी आवाज आप तक पहुंचे जा और मुड़ के मत देखना। क्यों परेशान होते मेरे भाई? माँ अपना बच्चा हमें दो। बेटा माँ ये ठाकुर जाली